मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान राज्य कांग्रेस इकाई द्वारा शिवभक्त का खिताब दिए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का सोमवार को उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में कांवड़ियों द्वारा बम बम भोले के नारों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने जनता को संबोधित भी किया। अमेठी में भी राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला और एक बार फिर अपने चोट वाले बयान को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राफेल मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेरने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर उद्योगपति अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ती और जिस मंच से राहुल जनता को संबोधित कर रहे थे वह तो उनका संसदीय क्षेत्र ही है, ऐसे में राहुल कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने एक बार फिर अपने चोट वाले बयान को दोहराते हुए कहा कि गली गली चोर है, देश का चौकीदार चोर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अनिल अंबानी के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी ने अपने जीवन में कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनाया और उन्हें राफेल डील का हिस्सा बना दिया गया। इसका मतलब तो यही है ना कि यहाँ तो देश का चौकीदार ही चोरी कर गया। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सतर्कता आयोग CVC से इस डील की जांच किए जाने की मांग भी की है।